नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नोद्र। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज मैं आपको फिर से लेकर आया हूं नायक पोल्ट्री फार्म में। और इस फार्म में सिमरन कंपनी के साथ में इंटीग्रेशन का दूसरा बेच है और बेच का 35वां दिन है। और 35वें दिन में एवरेज वेट तो जो है अपलिफ्टिंग होने ही वाली है, किंतु जो आज सुपरवाइजर जो आए थे और जो उन्होंने एवरेज वेट करके गए, करीब 2150 ग्राम एवरेज वेट आ रहा है। और FCR जो है 1.48 का FCR आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा FCR हम बोल सकते हैं। एक तो गर्मी के सीज़न को लेकर और मतलब किसी भी कंपनी को अगर हम देखें कि मतलब भारत की जो भी सबसे अच्छी कंपनी हो, इंटीग्रेशन की हो या फिर फीड बनाने वाली कंपनी हो या चिक्स वाली कंपनी हो, सभी में अगर हम देखें तो 1.5 का अगर FCR जा रहा है तो आज के समय में हम बहुत अच्छा FCR बोल सकते हैं। क्योंकि जनरली ओपन फार्म में और मैश फीड में 1.6 का FCR जाता है, किंतु इस कंपनी का पैलेट फीड है। फीड की क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये पैलेट फीड है। और पैलेट फीड में अगर 1.5 के अंदर अगर FCR जा रहा है गर्मी के समय में, मार्च के समय में, जनरली हम हमारे क्षेत्र में जिस क्षेत्र में हम बिलोंग करते हैं, हम निमाड़ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, निमाड़ क्षेत्र में जो है टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा रहती है और थोड़ा सा उसके कारण जो है परफॉर्मेंस उतना अच्छे तरीके से नहीं आता है। किंतु इस बेच में बहुत शानदार परफॉर्मेंस आ रहा है और 2150 ग्राम बॉडी वेट, ये जो करीब करीब 12-1 बजे वेट किया था, लिफ्टिंग होगी तो उसमें हमें एक्यूरेशन आ ही जाएगा कितना जो है बॉडी वेट जा रहा है और FCR हमारा क्या जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हम हो गई फार्म के अभी तक की क्या स्टेटस है इसके बारे में। अब हमारे सामने आज जो हमारा मुख्य पॉइंट ये है कि जब लिफ्टिंग हो रही हो या फिर लिफ्टिंग हमें करवाना हो तो हमें कौन सी सावधानी रखना चाहिए और हमारी तैयारी कैसी होना चाहिए। तो पहली सावधानी जो है लिफ्टिंग से पहले ये कि दाने का हमें ध्यान रखना होता है कि हमें दाना कितना लगाएं और कब लगाएं, ये दो चीज़ महत्वपूर्ण है। कितना लगाएं कि जैसे कि हम जो है जब भी दाना लगाते हैं तो कैलकुलेशन कैसे लगाते हैं, 24 घंटे का कैलकुलेशन लगाते हैं। जैसे मान लो आज 35वें दिन में बर्ड को 200 ग्राम दाना लग रहा है, तो ये 200 ग्राम दाना कितने देर के लिए लग रहा है, ये 24 घंटे के लिए लग रहा है। किंतु अब हमें जो लिफ्टिंग करवाना है वो लिफ्टिंग हमें रात में करवाना है, तो मतलब 10 से 12 घंटे के अंदर इतना हमें दाना डालना चाहिए कि दाना 10 से 12 घंटे में ख़त्म भी हो जाए और मतलब बचे नहीं, कुल मिला के दाना 10 12 घंटे में ख़त्म होना चाहिए। और इसके साथ में हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि बर्ड को दाना सही समय पे लगाएं, सही समय पे मतलब कि बर्ड को ज़्यादा भूखा नहीं रखें और दाना लगा दें। अब उसका भी मैं कारण बताऊं, क्योंकि भूखे बर्ड में अगर आप दाना लगाओगे तो क्या करेगा बर्ड, आपको मैं बता सकता हूं कि ये देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, इसको मैं थोड़ा सा पकड़ के बताऊँगा कि यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं क्रॉप। तो एक क्रॉप बना लेगा, तो जनरली ये जो बड़े जो रहते हैं बर्ड, ये क्रॉप बना लेते हैं। क्रॉप बना लेते हैं तो जो ट्रेडर का जो ड्राइवर रहता है या ट्रेडर के जो आदमी रहते हैं, वो क्या करते हैं कि जो दाना खाया हुआ बर्ड रहता है वो उसी को जाके, क्योंकि बड़ा जो मुर्गा रहेगा वो ज़्यादा दाना खाएगा, स्वाभाविक सी बात है 200 ग्राम दाना खाएगा, तो 200 ग्राम अगर भूखा रहेगा तो क्या करेगा, क्रॉप के अंदर रखेगा दाना को। अब क्रॉप के अंदर रखेगा तो क्या करेगा, वो जो ट्रेडर का आदमी रहेगा उसी को जाके पकड़ेगा, उसका फोटो लेगा और मैनेजर को भेजेगा, सेल्स मैनेजर को भेजेगा, जो ट्रेडर जो मालिक है उसको भेजेगा। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें रामायण होती है वो तो उसमें। तो ये इस प्रकार से हमको कभी भी नहीं करना चाहिए। मतलब कुल मिला के जब भी आप मतलब लिफ्टिंग हो रही हो तो दाना जल्दी लगाएं और मतलब बर्ड को ज़्यादा भूखा नहीं रखें। भूखा नहीं रखेंगे तो बर्ड जो है क्रॉप नहीं बनाएगा, क्रॉप नहीं बनाएगा, फिर आप जो है पानी पानी अगर रहेगा क्रॉप के अंदर तो ट्रेडर कुछ नहीं बोलेगा। किंतु अगर दाना अगर अलग से ही दिखेगा और वो क्रॉप बना के अगर मुर्गा घूमता हुआ दिखेगा तो फिर उस कंडीशन में बहुत समस्या आती है और फिर कंपनियों की नज़र में भी हमारी इमेज ख़राब होती है कि ये फार्मर इतना अच्छे होने के बाद में भी इस प्रकार की हरकतें करते हैं, जो कि इंटीग्रेशन में स्पेशल ये चीज़ें अलाउ नहीं होती। क्योंकि इंटीग्रेशन में तीन लोग एक साथ में फार्मिंग करते हैं, जैसे कि कंपनी का भी विश्वास रहता है, ट्रेडर का भी विश्वास रहता है और फिर फार्मर खुद भी फार्मिंग करता है। तो इसलिए इंटीग्रेशन में हमें ये गलती नहीं करना चाहिए। वो तो वैसे तो प्राइवेट फार्मिंग में भी, ये स्पेशल प्राइवेट में तो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्राइवेट में तो आदमी कंपनी में तो खैर विश्वास कर लेता है और मैनेजर और बड़े लेवल के जो अधिकारी रहते हैं उनसे बातचीत, उनके टर्म्स बने हुए रहते हैं। किंतु प्राइवेट में तो सिर्फ सीधे किसान से ही उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो कोई मिसबिहेव नहीं हो। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि बर्ड को सही समय पर दाना दें और उतना ही दाना दें जो कि एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर ख़त्म हो जाए, ताकि अगले दिन अगर मान लो सारे बच्चे लिफ्टिंग हो रहे हों तो वो दाना बचेगा। अगर वो बच जाएगा तो वो किसी काम का नहीं है, वो यूज़लेस दाना हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया, हमें इस बात का ध्यान रखना है। और बाकी तो आपने देख लिया कि फीडिंग लाइन और इनका तो हम जो है इनके ऊपर हम बहुत बार बात कर चुके हैं। अब एक और जो महत्वपूर्ण जो बात है,
हमें जो ध्यान रखने योग्य है, जो हम इंट्रीगेशन में लिफ्टिंग करवाते हैं, इंट्रीगेशन हो या चाहे प्राइवेट फार्मिंग हो, दोनों में लिफ्टिंग करवाने का सही मतलब तरीका सभी दोनों में सेम है। सुगना में लिफ्टिंग करने का जो तरीका वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सुगना में जो कांटा जो आता है वो ऑनलाइन आता है, मतलब उसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, वो सीधे ऑनलाइन चलता है, सीधे हेड ऑफिस चेन्नई से कोयम्बटूर से चलता है, क्योंकि सुगना कंपनी का हेड ऑफिस कोयम्बटूर में है। किंतु आईबी कंपनी हुई या फिर सिमरन कंपनी, अभी मैं पिछले दो बैच से सिमरन कंपनी का देख रहा हूँ, तो उसमें कांटा कंपनी खुद देती है, और अगर उनका कांटा अगर नहीं भी चले तो हमारे पास जो भी जो कांटा है हम उससे भी जो है लिफ्टिंग करवा सकते हैं। आप कांटे भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लटकाने वाला कांटा, जो कि हम ये जैसे मान लो ये हम पहले लिफ्टिंग करवाते थे, तो देखिए यहाँ पे अपन कांटा लटका दो, उसमें जो है ये पिंजरा लटका दें, ये पिंजरा हम लटका देते थे और उसके हिसाब से हम फार्मिंग जो है लिफ्टिंग करवाते थे। अब जो दूसरा जो हमने तरीका निकाला है, ये वाला कांटा जो चूँकि फिट बनाने के लिए हमने जो है कांटा ये वाला लेके आए हैं, ये देख सकते हैं, इसको प्लेट कांटा भी जनरली बोलते हैं। तो इस कांटे पे पहली बार हम लिफ्टिंग करवा रहे हैं, तो जब भी आप लिफ्टिंग करवाएं तो जो ये कांटा जो है इसमें आप ये है 1 किलो का बाट, और इसको हम वजन करके देख लें, तो देखिए ये बिल्कुल 1 किलो आ रहा है कि 1 किलो वजन ये पूरा तरीके से दिखा रहा है। तो जब भी कोई गाड़ी वाला जो आएगा तो हम उसको बोलेंगे कि इस कांटे के ऊपर हम लिफ्टिंग करवाएंगे, तो वो एकदम से विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि हर बार नए नए गाड़ी वाले ट्रेडर लोग आते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, उनके विश्वास के लिए हम ये वाला कांटा रखेंगे और उनको बता देंगे कि देखिए ये 0 है, और 0 के बाद में ये कांटा रख के बता, ये बाट रख के बता दो, देखो अगर ये 1 किलो वजन आएगा तो बिल्कुल वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएगा और आसानी से लिफ्टिंग करवा लेगा। और अगर वो बोले कि उनके कांटे से उनको लिफ्टिंग करवाना है, क्योंकि ट्रेडर लोग गाड़ी वाले कांटा उनका भी रखते हैं, तो उनके भी कांटे में हमें इस बात का ध्यान रखें कि ये बांट लें, और बांट लेने के बाद में उनके भी कांटे में हम ये तोल के देख लें, तो इससे दोनों तरफ हमें विश्वास रहेगा, फिर किसी के भी कांटे से आप जो है लिफ्टिंग करवा सकते हो। तो ये बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है स्पेशल इंट्रीगेशन फार्मिंग में, जहाँ पर आपका जो है ऑनलाइन जीसी नहीं चल रही हो। और ये रही है पिंजरे, तो पिंजरे के बारे में स्पेसिफिकेशन में मैं थोड़ा सा बता दूँ इसका जो है, और ये रहा हमारा लिफ्टिंग करवाने के लिए पिंजरा, इसको हम लटका के भी लिफ्टिंग करवा सकते हैं और इसके ऊपर रख के भी हम जो है लिफ्टिंग करवा सकते हैं। इसका जो साइज़ है 2 फीट बाय 2 फीट इसकी साइज है, और इसकी जो ऊंचाई है, ये डेप्थ है इसकी 1 फीट इसकी डेप्थ है, और इसमें आसानी से हम 20 बच्चे, 2.5 किलो के 20 बच्चे हम इसे इसमें आसानी से हम लिफ्टिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों मतलब ये हो गया हमारे पिंजरे के बारे में। अगर किसी फार्मर भाई को अगर पिंजरा भी बनाना है तो 2 फीट चौड़ा 2 फीट लंबाई चौड़ाई में 2-2 फीट होना चाहिए और ऊंचाई में 1 फीट रहेगा, तो उसमें आसानी से 20 बर्ड जो है 2.5-2.5 किलो के हम डाल सकते हैं। जनरली गर्मी के समय में जो लिफ्टिंग होती है वो 15-16-17 बर्ड की लिफ्टिंग होती है, तो हमें 3 बर्ड का थोड़ा सा मार्जिन लेके चलना होता है। तो दोस्तों ये हुई हमारी छोटी मोटी जानकारियाँ, जो कि हमें इंट्रीगेशन हो या फिर प्राइवेट फार्मिंग हो, दोनों फार्मिंग में हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ में एक और जो बात ध्यान रखना चाहिए कि हमें लेबर हमेशा ज़्यादा रखना चाहिए। अगर हम लिफ्टिंग करवा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें, लेबर ज़्यादा होने का कारण यह है कि गाड़ियाँ बैक टू बैक लगती है, और कभी कभी दो दो पिंजरे एक साथ में चलते हैं, एक जगह पे सुपरवाइजर करवाते हैं, एक जगह पे फार्मर खुद करवा देता है। तो ज़्यादा लेबर होने से फ़ायदा ये रहता है कि कंटिन्यू गाड़ियाँ फटाफट भरा जाती है, और उसमें एक और फ़ायदा रहता है कि जो ट्रेडर के जो आदमी रहते हैं बहुत ज़्यादा समझदार रहते हैं, क्योंकि हमारा तो 40 दिन में एक बार भरवाना रहता है, किंतु उनका काम डेली का रहता है। तो वो हमने पिंजरे में मुर्गा डाला और वो फट से उठा लेंगे और बोलेंगे ये देखो आपके मुर्गे कम है। तो उसमें ये इस प्रकार की छोटी मोटी जो है गलतियां फार्मर से हो जाती है और समझदारी ट्रेडर की तरफ से हो जाती है, ये इस बात का हमें विशेष ध्यान देना होता है। तो ये छोटी मोटी बातें हैं किंतु महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि हम 40 दिन मेहनत करते हैं और 40 दिन में हमें जो है छोटी छोटी बातों से या छोटी छोटी गलतियों से हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गई हमारे आज की लिफ्टिंग के बारे में कि ये हमने तैयारी की है। तो कुल मिला के नए तैयारी में ये वाला कांटे से हम पहली बार करवा रहे हैं, अभी तक जो भी लिफ्टिंग करवाते थे ऊपर लटकाने वाले से करवाते थे, किंतु प्लेट कांटे से हम पहली बार लिफ्टिंग करवा रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा, धन्यवाद।